तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो ये बैल देख रहे हैं, ये बैल पता नहीं कहाँ से आ रखा है, आज इसको 4-5 दिन हो गए हमारे गांव में, छूट गए, ऊपर नहीं जा पा रहे और प्रयास करने में लगा ऊपर जाने का। कितने सुंदर लग रहे हैं ना सबके सब। जो आपको ये वाला झुंगुरा दिखाई दे रहा है ये देसी झुंगुरा है, और जो इस तरफ के लिए दिखाई दे रहा है घरेलू झुंगुरा है पहाड़ी। हेलो दोस्तों, आज भी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चीची कुसर ब्लॉग में। आज भी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आज भी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज गए और यहाँ घना सा कोहरा लगा हुआ है आज सुबह से, तो बारिश भी आ सकती है। और यहाँ पे नेत्रा सुबह सुबह चाय और बिस्किट खा रही है। नेत्रा हाई कर दे, हाई कर दे, कर नेत्रा, हाई नहीं कर रही आज, हाई नहीं कर रही है, मत कर फिर मैं चला गया, ठीक है बाय। इसने मुंह में चाय भर रखी है। चल चल ऊपर चल, मैं जा रहा हूँ। हमारे गांव में सबसे अच्छा झुंगुरे और मंडुआ की फसल होते हैं। गेहूँ भी होते हैं पर गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते, तो झुंगुरे भी 2 प्रकार के बो रखे हैं हमारे गांव में। एक होता है देसी, एक होता है घरेलू। जो हमारे पहाड़ का झुंगुरा है एक देसी है। जो आपको ये वाला झुंगुरा दिखाई दे रहा है ये देसी झुंगुरा है, और जो इस तरफ के लिए दिखाई दे रहा है घरेलू झुंगुरा है पहाड़ी। और यहाँ पे बीच में बारिश की वजह से पूरा झुंगुरा लटक भी गया है, और आप अंदर देख सकते हो इन दोनों की बालियों में, इस साइड के लिए हल्के कलर के है और इस साइड के लिए डार्क कलर के। और ये देखिए देसी झुंगुरा जल्दी हो गया, और जो पहाड़ी झुंगुरा है ये अब हो रहा है। जो देसी झुंगुरा होता है उसके पौधे मोटे होते हैं, और जो घरेलू है इसके पौधे बारीक होते हैं। यहाँ पे कालू और ब्लैकी भी जा रहे हैं मेरे साथ, और ब्लैकी भी कुछ ही दिनों में बच्चों को जन्म देने वाली है, और बहुत मोटा पेट हो गया ब्लैकी का, पता नहीं कब बच्चों को जन्म देगी। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो ये बैल देख रहे हैं, ये बैल पता नहीं कहाँ से आ रखा है, आज इसको 4-5 दिन हो गए हमारे गाँव में, किसी का छोटा होगा या जंगल के रास्ते आया ये हमारे गाँव में। अगर किसी का होगा तो लोकल में संपर्क कर लेना और कमेंट कर देना कि हमारा बैल है। और एक बैल है हमारे भरना गांव में, ये बैल यहीं पे रहता है दिन हो या रात हो सड़क पे। और किसी का होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, फिर उसके बाद मैं आपको अपना नंबर दूंगा और अपने बैल को लेके चले जाना। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा बैल है और बना भी अच्छा है, और ये बिल्कुल पास नहीं आने दे रही किसी को भी, मारने के लिए आ रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे कालू ढंग से देखा हुआ इसको, और फिर ये कालू को मारने के लिए जा रहा है इधर उधर। अभी सुबह के 10:30 हो चुका है टाइम, तो मैं यहाँ पे गोबर निकालता हूँ फटाफट। दोस्तों यहाँ पे मैंने गोबर निकाल दिया है, और मेरे बैल भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो वो सोच रहे होंगे कि हमें अंदर बांध देंगे, पर मैं उनको अभी अंदर नहीं बांधूंगा, क्योंकि अभी दिन के 11 बज चुके हैं और इतनी जल्दी उनको अंदर नहीं बांध सकता मैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बदर का बच्चा आ रखा है नीचे पानी पीने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने बहुत कीचड़ कर दिया है और बहुत गंदगी कर रखी है, तो उनके लिए साफ पानी भी भरता हूँ मैं, और इसमें इनके लिए मैंने खाना बनाया है दलिया, और यहाँ पे है ये। और आज इनको पूरे 4 दिन हो चुके हैं, और देखिए 4 दिन में कितने अच्छे लगने लगे हैं, इधर देखो। और ये इनके मम्मी पापा, ये वाली मम्मी है और ये वाला पापा। मैं बता के बच्चों को अभी बाहर निकालता हूँ धूप सेकने के लिए, क्योंकि ये अभी तक बाहर नहीं आए धूप में, और आज इनको पूरे 4 दिन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, और पहली बार आप बाहर आएंगे। चलो 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 चल डुगु भाई, चलो 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 शु 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 शु। यहाँ पर बदक के बच्चे भी बाहर आ चुके हैं और अपने माँ के पीछे जा रहे हैं, जहाँ उनकी माँ जा रही है, तो ये उनको आप खाना खिलाना सिखाएगी।
और दोनों माँ बाप के बीच में जा रहे हैं। पहले हो रखे थे 8 बच्चे और 3 अंडे बच्चे हुए थे, तो एक अंडे के अंदर से और एक बच्चा आया और 2 अंडे खराब हो रखे हैं जिनके अंदर के बच्चा नहीं बना हुआ है। के साथ बहुत दूर आ चुके हैं और सबके सब इधर चले के बाद एक बच्चा यहीं पर छूट गया, ऊपर नहीं जा पा रहा है और प्रयास करने में लगा ऊपर जाने का, तो इसको भी भेजते हैं उसकी मम्मी के साथ क्योंकि ये यहाँ पर रो रहा है और उसकी माँ भी आ गई यहाँ पर चिल्लाते हुए। चल 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 ये चल, ओ चला गया आखिर में। ओ इसकी माँ मुझे काटने के लिए आ रही है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना सबके सब। यहाँ पर बतख अपने बच्चों को पानी के सामने लेके आ गई है, शायद अपने बच्चों को तैराना सिखाएगी आप। पर यहाँ पे पानी का तालाब नहीं, पानी का तालाब ऊपर है भी खेतों में, तो किसी टाइम उनको ऊपर लेके जाएंगे पर वो नहीं जा पाएंगे अपनी मम्मी के साथ क्योंकि यहाँ पे जो खेतों की दीवार है इन दीवारों से होते ऊपर नहीं जा पाएंगे। अपनी माँ के साथ यहाँ पे हरी घास खाने भी लगे हुए ये, और आप देखिए किस तरह से हरी घास खा रहे हैं। यहाँ पे मिल गया मुझे एक छोटा सा मशरूम और प्यारा सा, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस मशरूम को हम खा नहीं सकते क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये मशरूम खाने लायक है भी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जहरीले मशरूम भी होते हैं। जब किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होती है तो इनको खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि मशरूम खाने से कई लोगों के परिवार ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे 1 घंटा उन्होंने धूप सेक लिया और पहले ये नीचे वाले खेत में थे और यहाँ से पता नहीं ऊपर वाले खेत में कैसा है, यहाँ से कितनी बड़ी दीवार भी है और ऊपर चले के नाले में। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने खुश हो चुके हैं बतख के बच्चे क्योंकि उनको पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो एक काम करता हूँ मैं कि उनको बड़े वाले तालाब में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों इसका एक बच्चा नीचे गिर गया और सब इसको देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ चला गए, तो उसको यहाँ से ऊपर निकालते कहाँ पे है भाई, यहीं तो गया थे और नीचे जाना पड़ेगा मुझे। और उसकी माँ कैसी रो रही है, कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया, और ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा, अरे यार बच्चा भी कहाँ कहाँ जा रहा है, रुक जा, हाथ ही नहीं आ रहा साल। ओ इसकी माँ भी आ गई इसको लेने के लिए नीचे, चलो अब इसको ऊपर रखते हैं वरना इसके बच्चे सब नीचे आएंगे अब, और इसकी माँ को भी रखते ऊपर। आ जा आ जा, जा। ब्लैकी पता है ब्लैकी क्या कर रहे है, ये ब्लैकी इन बच्चों को परेशान करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं इनको बड़ा तालाब के सामने लेके आ गया और अब देखते हैं कि तालाब में जाते कि नहीं जाते, किनारे पे तो चले गए हैं और एक बच्चा जा रहा है शायद, जब उनकी माँ जाएगी तभी जाएंगे साथ में। ये तो उनको ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, चल नीचे 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 तालाब में जाओ। शु, 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 शु। आप यहाँ पे देख सकते किनारे पे बतख अपने बच्चों के साथ चला गया पानी में और बहुत देर बाद गए और कुछ बच्चे जा रखे पानी में भी। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं तो मैं अब इनको अंदर डालता हूँ, और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो नहीं जा रहे हैं, जब मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ तब जा रहे हैं यहाँ पानी में। तो दोस्तों मैं घर में पहुँच चुका हूँ तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।